हेलो, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। आज जो वीडियो है वो बहुत ही जरूरी वाली वीडियो है, जिसका बहुत दिन से आप बच्चे वेट कर रहे थे कि प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म कब आएगा और कैसे भरा जाएगा। तो उसकी मैं डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों को फायदा हो जो इस चीज़ के वेट में बैठे हैं या जिनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उसकी डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, कितनी फीस है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो की मैं स्टार्टिंग करता हूं। ये वीडियो जो है टेंथ के लिए भी है और ट्वेल्थ के लिए भी है, दोनों के लिए सेम है। तो दोनों ही टेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स जो हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो ध्यान रखना है वो बच्चे इस कंपार्टमेंट के फॉर्म को भर सकते हैं जो फेल हो चुके हैं पूरी तरीके से, जिनके रिपोर्ट कार्ड पर फिल आया हुआ है, या जो सेकंड कंपार्टमेंट दे रहे हैं, या जिन्होंने पहला कंपार्टमेंट नहीं दिया था लेकिन अब कंपार्टमेंट देना चाहते हैं तो वो भी इसे भर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए, हाँ इम्प्रूवमेंट के लिए भी यही फॉर्म होगा, प्राइवेट फॉर्म की तरीके से ही भरेंगे, एग्जाम आपका उन्हीं की तरीके से होगा। और एक और लास्ट के, अगर आपने 2014 या उसके बाद में एडिशनल सब्जेक्ट का कोई एग्जाम देना है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई है। दूसरी कंडीशन में फीस है और उसका शेड्यूल है, तो आपको ध्यान रखना है कि ₹300 पर सब्जेक्ट का फीस है, यानी कि पांच सब्जेक्ट अगर आप भरते हैं, अगर पांच सब्जेक्ट भरते हैं यानी कि पूरे फेल है आप, तो आपकी फीस ₹1500 होगी, बाकी प्रोसीजर चार्ज हो सकता है जहां से आप भरवाएंगे। और अगर एक सब्जेक्ट भरेंगे तो ₹300 फीस होगी। साथ के साथ अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसकी फीस ₹150 एक्स्ट्रा हो जाएगी, अगर दो हैं तो 150 प्लस 150 एक्स्ट्रा हो जाएगी, ये फीस का चार्ज है। डेट की जब मैं बात करता हूं तो 26/8/2019 से लेके 30/9/2019 तक ये फॉर्म सबमिट हो सकता है। ध्यान रखना है 30 तारीख को 5 बजे शाम तक, उसके बाद में ये एक्सेप्ट फॉर्म नहीं होगा। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन अगर आप फिर भी लेट हो जाते हैं तो आप लेट फीस के साथ में 1/10/2019 से 15/10/2019 तक भर सकते हैं, लेकिन आपको ₹2000 इन चार्ज के साथ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, एज ए फाइन देना पड़ेगा। आप ऐसा ना करें, आप पहले ही फॉर्म भर दें बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ में लेट फीस के साथ में आप फॉर्म को कैसे भरेंगे ये आप ध्यान से समझ लीजिए। सब्जेक्ट का कोड और सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, इसमें आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbsenic.in पर जाएंगे। जब आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर जो पोर्टल खुलेगा वहां पर एक जगह लिखा हुआ होगा व्यक्तिगत परीक्षार्थी और कंटिन्यू लिखा हुआ होगा। आप उसे आप जैसे ही टच करेंगे, कंटिन्यू पर टच करेंगे तो उसका होम पेज खुल जाएगा कि आप कौन सा कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो इसमें सारे दिए हुए होंगे, इंप्रूवमेंट सेलेक्ट करना है तो इंप्रूवमेंट सेलेक्ट करिए, फेल सेलेक्ट करना है मतलब फेल का मतलब है दोबारा से पूरे एग्जाम देना है तो वो सेलेक्ट करिए, एडिशनल सब्जेक्ट करना है तो वो सेलेक्ट करिए, और कंपार्टमेंट करना है तो कोई भी वो सेलेक्ट करिए। सपोज करिए आपने कंपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया, जैसे ही आप कंपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन होगा, वहां पर आपको पिछला रोल नंबर पूछा जाएगा, पिछले स्कूल का नंबर पूछा जाएगा और पिछले सेंटर का नंबर पूछा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, आपका पासवर्ड भी जो होगा वो सेंटर का नंबर ही होगा, और जो जो आईडी होगी वो सेंटर नंबर होगी, और जो आपका रोल नंबर है वो आपका पासवर्ड हो जाएगा, वहां पर लाइन लिखी भी हुई भी होगी। जैसे ही आप कंप्लीट इंक्वायरी पूरी फिल कर देंगे, फोटो अपलोड कर देंगे, फिर आप प्रोसीड कर देना तो आपका फीस की रिसिप्ट आ जाएगी। फीस जो है हम तीन तरीके से दे सकते हैं, या तो डेबिट कार्ड के थ्रू, या तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या तो नेट बैंकिंग के थ्रू, या RTGS के थ्रू। तो इन तरीके से फीस दे सकते हैं, केवल आप ड्राफ्ट वगैरह नहीं बनवा सकते। तो ये टोटल जानकारी है, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से कॉल कर सकते हैं, और अगर आप CBSE पर ही जाना चाहते हैं तो 011-222-36195 और 180, यानी कि 011-222-36195 या 36180 पर कॉल करके कभी भी हेल्प मांग सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी